हाँ जी बेटा, इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं क्या है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, यानी कि पैराबोला जो कि वाई एक्सिस पर सिमेट्रिक होगा। जब भी एक्स स्क्वायर है तो वाई एक्सिस पर सिमेट्रिक पैराबोला, और वाई स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस पर सिमेट्रिक पैराबोला। तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड द लाइन, और लाइन क्या है, एक्स बराबर 4y-2। लाइन बनाना तो हम 10th क्लास से सीख रहे हैं, तो देखते हैं काफ़ी आसान होगा। सबसे पहले पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी, मीन टू से वाई लेफ्ट में और सारी चीज़ें राइट में, वाई बराबर एफ एक्स की फॉर्म में लिख दिया। तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4, ठीक है बेटे। और फिर लाइन की बात करते हैं, लाइन को भी वैसे ही लिखना है, 4y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, तो वाई कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, ठीक है ना। वाई लेफ्ट में, बाकी सब राइट में। अब आगे तो y बराबर है एक्स प्लस 2/4, और मैं इसे ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मैंने पहले y की वैल्यू 0 पुट की। जब आप y की वैल्यू 0 पुट करोगे, ये 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो पॉइंट मिल गया आपको x -2 y 0, और अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करोगे तो 2 प्लस 2 4/4, वाई की वैल्यू आ जाएगी 1। तो दो पॉइंट मिलने काफ़ी हैं एक लाइन सेगमेंट बनाने के लिए, और आपने वो पॉइंट बनाए -2 0 ये रहा, और 2 1 2 1 ये रहा पॉइंट, ठीक है। और आपने एक लाइन बना देनी है, और पैराबोला तो ऐसे ही बनना था, एक्स स्क्वायर है तो वाई एक्सिस पर। तो आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, इसके कर्व के और लाइन के बीच में जो एरिया है वो आपको निकालना है, और बीच में एरिया मतलब ये वाला एरिया, ठीक है। तो अगर कोई आपसे कहे कि ये सस्पेंडेड एरिया, पिछले वीडियो में बताया था ना सस्पेंडेड एरिया, ये सस्पेंडेड एरिया यानी बीच में हवा में लटका हुआ एरिया कैसे निकलता है, तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि ऊपर वाली लाइन का एरिया पहले निकाल लीजिए। तो एक बार मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, लाइन का एरिया निकालिए यहाँ से लेकर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी अभी पता नहीं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट तक इस लाइन के नीचे का पूरा एरिया निकाल लीजिए, पूरा एरिया, ठीक है। और इस पूरे एरिया में से हमको कौन सा एरिया माइनस करना है, इस पूरे एरिया में से हमको माइनस करना है पैराबोला के नीचे आने वाले एरिया को, यानी कि ये जो एरिया है, ये एरिया हमको माइनस करना है। पैराबोला के नीचे आने वाला पूरा एरिया माइनस कर देंगे तो क्या होगा, तो ये ऊपर वाला, ये बीच का एरिया जो इनके बीच में फंसा हुआ एरिया है, वो हमें पता चलता है। तो हमेशा यही है, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। उससे पहले ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट में हमारा इंटरेस्ट है, निकाल देते हैं। तो कैसे निकलेगा, देखिए पहली वाली इक्वेशन में y आया एक्स स्क्वायर बाय 4, दूसरी वाली इक्वेशन में y आया x प्लस 2/4। दोनों को इक्वेट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 4 और x प्लस 2/4 को, दोनों ही y हैं, इक्वेट कर देते हैं। डिनोमिनेटर के 4 कट गए, और उसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी बेटे, जिसमें मिडल टर्म स्प्लिट करके x की वैल्यू -1 और 2 आपने निकाल ली। तो ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करना तो बताने की जरूरत नहीं, मुझे पता है, फिर भी आप देख लीजिए ध्यान से। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, माइनस एक्स हो गया -2x + x, मिडल टर्म स्प्लिट करके किया है, छोड़ी इस पार्ट को, x हो गया -1 और 2। तो ये बेटा x -1 आ गया और ये x 2 आ गया। ऑब्वियसली ग्राफ में इतना एक्यूरेट पॉइंट आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि एक रफ ग्राफ है, पर आपको पता चल गया -1 से लेकर 2 तक लाइन का इंटीग्रेशन करना है, और उसमें से माइनस करना है पैराबोला का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो एरिया हो गया -1 से 2, लाइन माइनस पैराबोला। तो अभी तक सब कुछ आपको क्लियर है, ग्राफ बनाना आ गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने आ गए, और क्या किस में माइनस होगा या प्लस होगा वो आप ग्राफिकली देख के बता पा रहे हैं, तो आप बढ़िया जा रहे हैं, बढ़िया काम हो रहा है। लाइन की इक्वेशन x प्लस 2/4, पैराबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय 4, दोनों ही वैल्यूज आप निकाल चुके हैं, देख लीजिए, ये थी लाइन और ये था पैराबोला, ठीक है ना। और अब दोनों का अपॉन का 4 तो बाहर निकाला, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 का इंटीग्रेशन 2x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमको पुट करना है, तो मैं x की जगह 2 पुट कर रहा हूँ, 2 स्क्वायर 4 4 बाय 2, फिर 2 2 ज़ा 4, -2 क्यूब 8 बाई 3। तो अपर वैल्यू पुट कर दी माइनस, अब लोअर वैल्यू पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 बाय 2, फिर -1 × 2 -2 दिख ही रहा है आपको, और -1 का क्यूब -1 × -+1/3। तो सब कुछ परफेक्ट है यहाँ तक। आगे 4/2 सॉल्व कराया, 2 कट के, ये 4 -8/3, -1/2, -2, और फिर -1/3।
परफेक्ट है यहाँ तक भी। आप देखिए प्लस माइनस का खेल है सारा, तो 2 + 4 = 6, 6 + 2 = 8, तो ये 8 तो आपको दिख ही रहा है। फिर -8/3, -1/3, -1/2। अब जो ये है -8 - 1 हो जाएगा -9, और -9/3 हो जाएगा -3, तो आपको यहाँ पे -3 दिख रहा होगा। फिर -½, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 - 3 हो गया 5, 5 - 1/2, और एलसीएम लेंगे तो 2 × 5 = 10, 10 - 1 = 9, 9/2, और बाहर है 1/4, 9/2 और 1/4 हो गया 9/8, तो 9/8 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, समझ आ गया होगा सब कुछ। कैलकुलेशंस हैं बस, और तो ज़्यादा कुछ समझने को है नहीं, और डायग्राम आने चाहिए बनाने। तो क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। पैराबोला है y² = 4x, यानी एक्स एक्सिस पर, वाई स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस पर, और लाइन x = 3, एकदम वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, x = 3। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन। ठीक है, तो डायग्राम देखते हैं पहले। तो पैराबोला राइट, और ये लाइन स्ट्रेट लाइन, तो आपसे कहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय देम। तो एरिया बाउंडेड बाय देम यानी ऊपर से नीचे तक ये टोटल एरिया आपको निकाल के बताना है, सारा का सारा एरिया। ठीक है, पर हम हमेशा की तरह पूरा तो नहीं निकालने वाले, हम जस्ट ऊपर ऊपर का निकाल लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर नीचे दोनों का एरिया आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो y² = 4x के दिया है, और आपको पता है कि हम क्या करते हैं, हम सिर्फ y को लेफ्ट में छोड़ देते हैं और स्क्वायर को उधर भेजा तो स्क्वायर रूट कर दिया, क्योंकि हमें चाहिए y = fx की फॉर्म में। करेक्ट है, तो y हो गया 4x का रूट, जो हो जाएगा 2√x। अब 2√x को इंटीग्रेट करेंगे, ये है 2√x, कई बार बताया जा चुका है, ये ऊपर वाला कर्व। ठीक है, माइनस साइन क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि माइनस साइन का मतलब है नीचे वाला कर, नीचे वाले की हम स्टडी कर नहीं रहे, सिर्फ ऊपर वाले की कर रहे हैं। तो 2√x का इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3 तक, आई होप क्लियर हो गया यहाँ तक। और बेटे फिर ये 2 बाहर निकाल लीजिए, 0 से 3 तक समझ आया ना, ये 0 है और ये 0.3 है, x = 3, इस पूरी लाइन पर हर जगह x 3 ही 3 है ऊपर से नीचे तक। तो 2 बाहर, x^2 का इंटीग्रेशन 1 बढ़ाओ यानी 3/2 डिवाइड बाय 3/2, ये जो नीचे वाला 2 है ऊपर जाएगा 2 to the 4, और ये डिनोमिनेटर 4/3। अब x की जगह अपर वैल्यू पुट करते हैं 3^3/2 माइनस, फिर x की जगह लोअर वैल्यू पुट करते हैं 0, कोई दिक्कत नहीं है। 3^3/2 क्या होता है, 3/2, 1 और आधी पावर, सही है कि नहीं, 1 और आधी पावर, अगर आप एलसीएम लेकर जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 3/2 बनेगा, यानी 3^3, एक तो एक है और एक आधी है, तो 3^1 तो ये लिख दी, 1^m मल्टीप्लाई 1^n 3^2, कोई दिक्कत तो नहीं है। या ऐसा कह सकते हैं 3³ 27 और फिर 27 का रूट, ऐसे भी कह सकते हैं 3³ 27 और फिर 27 का रूट, तो 27 होता है 9³, तो 9 रूट के बाहर आकर 3 बन जाएगा और अंदर 3 रह जाएगा, इस 3 से ये 3 कटेगा, 4√3 आपका आंसर आ गया। तो 4√3 तो सिर्फ A1 का एरिया है, हमें तो ऊपर नीचे दोनों चाहिए, ऐसा तो कहा नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालो सिर्फ, तो इसका डबल कर देंगे, तो 8√3 आपका फाइनल आंसर आ गया। इसी के साथ ये एक्सरसाइज हम करते हैं फिनिश। थैंक यू।